36 वोट गिनने में 8 वोट कैंसिल कर दिए, ऑलमोस्ट 25% वोटों का घोटाला हो गया। मात्र 36 वोट गिनने में 25% वोटों का घोटाला कर गए। अभी मई जून में 90 करोड़ वोट गिनने हैं, चिंता इस बात की है उसमें क्या करेंगे। ये 36 वोट नहीं गिन रहे, एक 10x10 किलोमीटर का शहर है चंडीगढ़, वो हार नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं होती हार। लेकिन पूरे देश में क्या होगा, चिंता इस बात की है। तो पंजाब अपने हक मांग रहा है, किसानों को एमएसपी का वादा करके जब किसान आए यहां पर, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई, बड़ा आंदोलन था, पूरे देश से किसान आए, तो क्या कहा, एक दिन अचानक से प्रकट होके एक साल बैठे रहे, 750 किसान उनकी मौत हो गई, और एक दिन अचानक से साल बाद प्रकट होके साहब बोल रहे हैं मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, मैं ये कानून वापस लेता हूं। जी 2.5 साल हो गए, अब तो तपस्या पूरी हो गई, अब तो वो बातें मान लो जो कहने आए थे, वो फिर दोबारा आने के बारे में सोच रहे हैं किसान। किसी को भी ये ऐसे निकाल के फेंक दो, किसी के भी फंड रोक दो, और कुछ फंड ऐसे हैं जिसमें कहते हैं मोदी की फोटो लगाओ तो हम देंगे। मैंने कहा यार ये क्या मतलब, क्या ये मजाक है, फोटो लगाओ, मैंने कहा कितनी देर लगेगी फोटो, अगर मई में बदल गई तो फोटो किसकी लगाओगे फिर। और देखो ये कितना नफरत करते हैं, पंजाब कुर्बानियों का स्टेट है, 90% कुर्बानियां देश की आजादी के लिए पंजाबियों की हैं। आज भी हमारा कोई गांव नहीं होगा पंजाब का, 13,500 गांव हैं, एक भी गांव नहीं होगा जहां किसी ना किसी शहीद का बुत ना लगा हो, कोई उसकी याद में गेट ना बना हो, चाहे वो कारगिल की लड़ाई का हो, चाहे आजादी की लड़ाई का, चाहे 65 का, चाहे 71 का, चाहे 62 का, कोई ना कोई शहीद है। और हर तीसरे गांव में कोई ना कोई गुरु चरण, उनके चरण शो प्राप्त धरती है। और पंजाबी वतन प्रस्त हैं, देश के लिए लड़े, और ये क्या कर रहे हैं, सिला क्या दे रहे हैं। हमने 3 झांकियां 26 जनवरी की परेड के लिए दी, एक में भगत सिंह, देश की कुर्बानी, पंजाब की कुर्बानियों का इतिहास, उसका टाइटल था भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराबा, महाराजा रणजीत सिंह, जलियांवाले बाग का जो कांड हुआ सब था उसमें। दूसरे में माई भागो, फर्स्ट लेडी सिख वॉरियर, फर्स्ट माई भागो जो लड़ी, बहुत दलेरी से लड़ी। और तीसरा था पंजाब का कल्चर, हमारा जो लंगर की प्रथा, हमारा जो फुलकारियां, हमारा गिद्दा भंगड़ा, तीनों रिजेक्ट कर दी भाई साहब। पंजाब की झांकी नहीं थी 26 जनवरी में, क्या पंजाब आजादी के जश्न 15 अगस्त 26 जनवरी पंजाब के बिना मना लोगे। ये कौन होते हैं भगत सिंह को रिजेक्ट करने वाले, ये कौन होते हैं करतार सिंह सराबा को, लाला लाजपत राय को रिजेक्ट करने वाले, देश के मालिक बन के बैठ गए, देश इनके बाप की जागीर है क्या। हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी, हमको देश लेके दिया, और ये बैठ गए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए, वहां जो भी मुंह में आता है बोल देते हैं। कल तो बड़ी राज्यसभा में फेडरल स्ट्रक्चर की बातें हो रही थी कि मैं जब मुख्यमंत्री होता था मुझे यूपीए तंग करती थी, अब क्या हमें सम्मानित कर रहे हो तुम लोग, अब भी तो तंगी कर रहे हो। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, क्योंकि कविता एक ऐसी चीज है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, एक तरफ आधे घंटे का घंटे का भाषण, एक तरफ 3-4 लाइनें बस। मैंने बोल दिया था, मेरे सामने बैठे थे पार्लियामेंट में जब डी राजा जी, मेरे और बहुत से साथी बैठे हैं जो पार्लियामेंट में अभी भी हैं, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, हर बात पे जुमला चल रहा है ना, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। मोदी जी हर बात ही जुमला निकली, अब तो यह भी शक है क्या चाय बनानी आती है, शायद वो भी ना आती हो, वो भी जुमला ही होगा, हर बात पे जुमला, कुछ तो सच बोल दो इस देश के लिए, कुछ तो सच बोल दो देश के लिए। तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, जैसा कि कहा जा रहा था कि केरला में हम कहते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दो, नहीं कर रहे, ऐसी में हमारे साथ कर रहे हैं, मोहाली और अमृतसर को इंटरनेशनल कर दो, पूरी दुनिया में पंजाबी बसते हैं, हमें दिल्ली का सफर आना जाना जो है कम हो जाएगा, नहीं करते, अपने बंदों को दे रखे हैं सारा कुछ। लेकिन
हम यहाँ जैसा कि अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे थे, हम भीख मांगने नहीं आए, हम अपना हक मांगने आए हैं। हमारा जीएसटी का पैसा, हमारा एनएचएम का पैसा, हमारा आरडीएफ का पैसा और स्कीमों का पैसा रोक रखा है। ऐसे ऐसे आप दरियाओं को रोक नहीं सकते, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। जब मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप झांकी पंजाब की मत दिखाओ, मैंने 10 सेट बना लिए उसके, पूरे पंजाब में दिखाऊंगा मैंने कहा, और लोगों से पूछूंगा ये रिएक्ट होने वाली हैं, कौन है ये रिएक्ट करने वाले, कोई दफ्तर में बैठे बाबू, उनको क्या पता भगत सिंह की कुर्बानियां क्या थी। भगत सिंह ने लिखा था कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। वो कुर्बानियां करने वाले लोगों को ये सिलेक्ट रिजेक्ट कर रहे हैं, कौन होते हैं ये। तो जब मैंने कहा कि 26 जनवरी ना दिखाओ, मैं तो पंजाब में दिखाऊंगा, तब से मेरे पास लेटर आ रहे हैं, सर अगली 15 अगस्त, अगली 26 जनवरी, फिर 15 अगस्त, फिर 26 जनवरी, 3 साल की गारंटी लेते हैं कि पंजाब की झांकी इसमें होगी। मैंने कहा 3 साल की गारंटी तो लेते हो, अपने आप की गारंटी लेते हो, क्या तुम होगे 15 अगस्त तक, क्या पता कौन डिसीजन लेगा। जैसा कि अरविंद जी ने कहा, कौन इधर होगा कौन इधर होगा, ये तो जनता डिसाइड करती है, पब्लिक है, सब जानती है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, बहुत बातें होनी है, मैं तो छोटा हूं, लेकिन हाँ देश देश का प्यार दिल में है। और यही कहूंगा, ये अभी जो कर रहे हैं देश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं, हम तो स्कूलों की, अस्पतालों की, बिजली की, इंफ्रास्ट्रक्चर की राजनीति करते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। थैंक यू मिस्टर भगवंत मान। सिंस मिस्टर केजरीवाल एंड मिस्टर भगवंत मान हैज टू लीव, लेट देम go with the love and affection of Keralites.